हाय, दिस इज बुल इन्वेस्टमेंट और आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। एक बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग सेटअप आज मैं लेके आया हूँ। जैसे कि हमने सीरीज शुरू की है मल्टी बैगर स्टॉक खोजने की और स्विंग ट्रेडिंग करने की, तो आज हम जिस स्टॉक के अंदर स्विंग ट्रेडिंग देखेंगे वो स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से नीचे था, और हमारा जो भी हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे, हमने आगे भी आपसे बात किया कि हम कोई ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, बस एक ही इंडिकेटर रहेगा और वो है मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में यूज़ कर रहा हूँ 200 दिन का। इसका अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो पिछले मूविंग एवरेज में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, करीब 185-87% का। स्टॉक 1 साल से नीचे है, आप देखेंगे तो करीब 48% नीचे आ गया है। 1-1.5 साल से स्टॉक करीब नीचे काम कर रहा है और इसने यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज को काटा है, और वो भी वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उसको आ रहा था, आप देखेंगे तो, एक ही मिनट, यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ ऊपर गया वापस नीचे आया, यहाँ ऊपर गया वापस नीचे आया, लेकिन यहाँ नीचे आने के बाद मूविंग एवरेज के नीचे आया, लेकिन यहाँ पे तोड़ के इसको वापस एक गैप अप ओपनिंग के साथ इसने ऊपर की तरफ तोड़ा है। गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे इसको तोड़ा है, और तोड़ के फिर वहाँ 200 दिन का जो एवरेज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर सपोर्ट लेने आया है और वॉल्यूम के साथ आया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा जगह है जहाँ पर हम ये स्टॉक को ले सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक लेने का, जैसे हमने सिंपल नॉर्मल मूविंग एवरेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं 200 दिन का एक्सपोनेंशियल, और हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो टेक महिंद्रा के अंदर ये बेस्ट जगह होगा यहाँ पे एंटर होने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है और 200 दिन के एवरेज के ऊपर ये स्टॉक अभी आके सस्टेन कर रहा है। और आप देखेंगे तो नीचे भी ये काफ़ी टाइम से स्टॉक खड़ा था यहाँ पे, तो ये बेस्ट जगह है जहाँ पे हम इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे एंटर होने के बाद अपना स्टॉप लॉस जो हम देखेंगे, तो या तो ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है, इसके नीचे आके दो कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है, तब हम निकल जाएंगे। या आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो फिर ये जो इसका लास्ट क्लोजिंग था यहाँ पे, अगर हम देखते हैं, ये जो आप देखोगे इसका लास्ट क्लोजिंग, अगर इसको तोड़ के ये स्टॉक नीचे जाता है तो हम यहाँ पे बेच के निकल जाएंगे। लेकिन जब तक ये स्टॉक इसके यहाँ पे ये रेंज के अंदर रहता है, हमें इसे बेचना नहीं है। यहाँ पे आपने बाई किया, और अगर ये रेंज के अंदर रहता है तो हम इसको होल्ड करेंगे। अगर स्टॉप लॉस की देखते हैं हम, तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे 5% के करीब दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक गिरा है और अभी चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ से अगर इसका पिछला हाई भी देखेंगे तो करीब 65% का हमें रिटर्न दिख रहा है। लेकिन हम अगेन मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, एंट्री भी मूविंग एवरेज से लेंगे और एग्जिट भी मूविंग एवरेज से ही लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम 20 25 50 पॉइंट या 50% लेके निकल जाते हैं और स्टॉक हमें इस तरह का एक बड़ा मूव दे देता है जो मूव हमें से छूट जाता है। अगर हमने इसको मूविंग एवरेज फॉलो करके भी अगर यहाँ पे एग्जिट लिया होता तो 117-118% का हमें रिटर्न यहाँ पे मिलता। ठीक है, तो हम जो भी फॉलो करेंगे मूविंग एवरेज के साथ फॉलो करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी अगर आप देखते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लेके निकल सकते हैं। अगर वो स्टॉप लॉस आप नहीं लेते हैं तो आप वेट करिए, जब तक ये जो पिछला इसका लो है ये लो नहीं काटे तब तक आप स्टॉक के अंदर होल्ड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट सेटअप है, आपको यकीन करना पड़ेगा मूविंग एवरेज काम करता है। आप 50 अलग अलग सेटअप पे जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको कुछ मतलब, तो हर सेटअप की अलग कहानी होती है। आप एक ही सेटअप लीजिए और उसके ऊपर काम करिए, और मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छा सेटअप है, मैं बरसों से इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे है आपको नहीं लेना है, जैसे इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया हमको बाई करना है, और कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे नीचे आएगा हम बेच के निकल जाएंगे, और याद रखिए एक किसी भी एक सिंगल स्टॉक के अंदर हम 5% से ज़्यादा पैसा नहीं डालेंगे। पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आज के लिए ऐसा है कि जो भी आपका पैसा हो, 1 लाख हो तो 5,000, 10 लाख हो तो 50,000, जो भी आपका कैपिटल हो उस कैपिटल का सिर्फ 5% पैसा ही एक स्टॉक के अंदर डालना है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कुछ भी करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि आपके पूरे कैपिटल का सिर्फ 5,000 रुपया ही, सॉरी 5% पैसा ही एक स्टॉक के अंदर डालना है। आप कितना भी बुलिश हो, कितना भी अच्छा स्टॉक लगे, आपको 5% से ज़्यादा पैसा कभी भी नहीं डालिए, आप ऑलवेज प्रॉफिट में रहेंगे। और राइट करिए,
ये ना कि यहाँ से अगर ये स्टॉक थोड़ा सा भी ऊपर आ गया, यहाँ हमने बाई किया और यहाँ पे 20-25% का रिटर्न मिल रहा है तो हम उसे बेच के निकल जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। हम स्टॉक को लेंगे जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर काम करेगा हम उसको होल्ड करेंगे। हो सकता है कई बार आपके लेने के बाद इस तरह का भी मूवमेंट आ जाए कि आपने यहाँ पे लिया, ये ऊपर गया 17% का रिटर्न है, वापस ये इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, आपने 3-4-5 महीने 6 महीने वेट किया पर कोई रिटर्न नहीं दिया। लेकिन कई बार ऐसा टाइम फ्रेम भी आएगा जब इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो करीब आपके पैसे को डबल करके दिया है, तो आप वेट करिए। इसके पीछे भी हम जाएंगे तो आप अगर यहाँ पे आपने स्टॉक के अंदर एंट्री लिया होता तो यहाँ से आप देखेंगे तो करीब 200% का रिटर्न दिया है। अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस फॉलो करके भी हम एग्जिट लेते हैं तो करीब 162% का रिटर्न दिया है 1 से 1.5 साल में, इतना रिटर्न और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे भी मल्टी बैगर स्टॉक मिलते हैं हमें आगे। तो जैसे जैसे स्टॉक चलेगा हम उसके साथ राइड करेंगे, अगर वो स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है और यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है तो हम उसे तुरंत बेच कर निकल जाएंगे। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल और स्वीट, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और भी आप कई तरह के इंडिकेटर आप लगाएंगे, आप लगा सकते हैं लेकिन वो कोई मतलब नहीं होगा। बहुत सारे इंडिकेटर मैंने भी यूज़ किए हैं लेकिन एक ही इंडिकेटर को आप देखिए, इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में सीखिए। मूविंग एवरेज सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर है और काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है और एकदम सिंपल तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक की बात करें वो टेक महिंद्रा, आने वाले समय में स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक लग रहा है, हो सकता है यहाँ से मल्टी बैगर स्टॉक भी बन जाए जिस तरह से चार्ट का सेटअप है। तो आज के लिए थैंक यू।